एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ये सेटअप है, इसको आप ढंग से देख लीजिए। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और इनके बीच में जो वेलोसिटीज़ होंगी, ए या बी की जो वेलोसिटीज़ होंगी, वी वन वी टू जिसको मानेंगे, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। और जो रिलेशनशिप इनकी वेलोसिटीज़ में होगा, वही रिलेशनशिप इनके एसलेशंस में होगा। ठीक, तो मैंने माना कि जो ए ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी वन की वेलोसिटी से। ठीक, जब ए नीचे की तरफ मूव करेगा तो बी डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी टू की वेलोसिटी से। ठीक, वी वन वी टू में हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे ईजी तो टेंशन ट्रिक होती है। तो टेंशन ट्रिक अगर बनाए तो मान लिया इसमें मैंने टेंशन टी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टी टी, ये टेंशन टी है, ये पुली के नीचे से स्ट्रिंग होती हुई इधर से आई है, ये टेंशन टी होगा, यहाँ टेंशन टी होगा, यहाँ टेंशन टी होगा, और यहाँ पर ये टेंशन टी होगा। ठीक, जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तब तक टेंशन सेम रहता है। ठीक, अब जरा देखो, ये एक मासलेस आइडियल पुली है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ इज अलॉन्ग द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन टू टी है, तो नीचे की तरफ भी कितना होगा, टू टाइम्स टी। तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा, टू टाइम्स टी। ठीक, अब जरा यहाँ पर आते हैं, इसमें इस ये भी वैसी मासलेस आइडियल पुली है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसमें ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टी 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 थ्री टी, यानी यहाँ पर कितना फोर्स होगा, थ्री टाइम्स टी, यानी यहाँ पर कितना फोर्स होगा, थ्री टाइम्स टी। ठीक ठीक, अगर हम टेंशन ट्रिक लगाएं तो टेंशन क्या कहता है, टेंशन ट्रिक क्या कहती है, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, टेंशन सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, वर्क डन बाई टेंशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। वहीं से ये जो इक्वेशन है वो वहीं से आती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, बी ब्लॉक के लिए देखो, तो टेंशन टू टी इस तरफ है और वेलोसिटी वी टू उस भी उसी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा टू टी इंटू वी टू, पॉजिटिव। ठीक, अब आप ए ब्लॉक के लिए देखोगे तो टेंशन थ्री टी इस पर ऊपर की तरफ है, जबकि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो ये माइनस होगा थ्री टी इंटू वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। टी कॉमन लेके ज़ीरो में चला जाएगा, तो टू वी टू आपका आ रहा है थ्री वी वन के बराबर, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगी। इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही रिलेशनशिप, वेलोसिटी की रिलेशनशिप एसलेशन की रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। V2 का डिफरेंशिएशन A2 होगा और V1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, A1। ठीक है, अगर इसका एसलेशन A1 नीचे की तरफ है और इसका एसलेशन A2 अप द प्लेन है, ठीक, तो A1 और A2 में ये रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को आप लेंथ वाले कंसेप्ट से कर सकते हो, L1, L2, L3, L4 और L5 मान के। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए आपको छोड़ देता हूँ, वो आपको कर लेना है।